वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 25th सितंबर को हमने क्या ट्रेड किया, क्या हमें आज प्रॉफिट हुआ, क्या हमें बिग लॉस हुआ या फिर लॉस हुआ, स्मॉल लॉस हुआ या फिर स्मॉल प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट आज। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर से कि यहाँ पे ऊपर की साइड रैली, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आज हमारा क्या हुआ है वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वाली कैंडल ही है, ये जो है ये लगभग 70 पॉइंट की कैंडल है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया और उनके अगेंस्ट में गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इतने मतलब स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, तो इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आके यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद एक अच्छी रैली किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे नीचे की रैली करके यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेट में फंस गया। और यहाँ पे देख सकते हो, और आज थोड़ा यम स्टॉप ने मुझे दिक्कत दी थी, वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा कि क्या हुआ था। तो चलिए हम यम स्टॉप ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यम स्टॉप ओपन किया है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 25 ऑर्डर्स ये हमारे ऑर्डर्स पड़े हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे 10 से 12 ट्रेड ले लिए हैं। 25 मतलब ये एक ट्रेड यहाँ पे रिजेक्टेड हुई है और 24 इसका मतलब हमने यहाँ पे आज टोटल 12 ट्रेड्स ले ली है। इसका मतलब हमने आज बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की है। और इसका आपको ये पता ही होगा कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, अभी अभी आप लोगों ने गेस किया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, और ये रिज़ल्ट और भी ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी क्वांटिटी आज आप देख सकते हो यहाँ पे 100 क्वांटिटी है आज, और हर रोज़ हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए हर रोज़ से बहुत ही मतलब जो आप डेली देखते हो उससे बहुत बड़ा PNL रेड में है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ट्रेड ली थी उसमें मतलब ज़्यादा लॉस नहीं था, सेकंड में भी ज़्यादा लॉस नहीं था, थर्ड में तो थोड़ा बहुत कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं रुका नहीं और ट्रेड पे ट्रेड करता चला गया। और ये देखो, ये मैं आपको बोला था एक रिजेक्टेड ट्रेड थी, और ऐसे करते करते यहाँ पे इतने सारे ट्रेड्स हो गए मेरे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज मतलब बहुत ही ओवर ट्रेडिंग हुई है और इसके कारण हमारा बड़ा लॉस हो गया है। अगर 50 क्वांटिटी होती तो यहाँ पे मैनेजेबल लॉस था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी 100 थी इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लॉस हो गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा ओवरऑल लॉस कितना है आज का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ओवरऑल लॉस आप लोगों को दिख रहा होगा 2076 रुपीज़, और इसका मतलब है यहाँ पे हमें लगभग 2100 से 2200 तक का लॉस हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, एक ही रीज़न है इसका, ओवर ट्रेडिंग। और यहाँ पे मैं जब ट्रेड ले रहा था तो यहाँ पे बहुत ही ऊपर के प्राइस पे यहाँ पे बाइंग हो रहा था, मतलब मैं बाय करता था तो यहाँ पे फट से ऊपर जाके यहीं पे बाइंग होता था, और जब मैं सेल करता था यहाँ ऊपर तो इतने नीचे आके यहाँ पे सेल करता था। मतलब ये आज ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसके कारण यहाँ पे आज बड़ा लॉस हो गया है थोड़ा। आप देख सकते हो ये हर रोज़ से बहुत बड़ा लॉस है, मतलब अभी थोड़ा हमें यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि हर रोज़ से यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा लॉस ले लिया है। तो ये लॉस का मेन रीज़न है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है ये ओवर ट्रेडिंग, और दूसरा मेन रीज़न है यहाँ पे ये यम स्टॉक का मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना। तो आप भी सावधान रहिए, यम स्टॉक में जब कभी कभी अगर ऑर्डर सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होंगे तो कृपया करके आप लोग संभाल लेना, नहीं तो आपको भी ऐसा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। ये अब मेरी एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग के साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस लेना होगा, छोटी छोटी नॉलेज लेनी होगी, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ताकि आपको ऐसे डेली के लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो उसके वीडियोस आपको मिलती रहेंगे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ प्रॉफिट का दिखा था, ये लॉस का नहीं दिखा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो हम पिछले 2 वीक से कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट में थे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आज हमारा थोड़ा बड़ा लॉस हो गया है। मतलब जो हमने पिछले 2 वीक्स में ग्रीन ग्रीन करके बनाया था वो पूरा हमने आज एक ही दिन में गंवा दिया है। और उसका रीज़न भी एक मतलब हमने स्ट्रेटजी से नहीं गवाया या फिर कोई हमारी गलती नहीं है, ये हमने थोड़ा स्केल अप करने का सोचा, 50 की जगह पे हमने यहाँ पे आज 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी, इसलिए यहाँ पे आज हमारी साइकोलॉजी अफेक्ट हो गई और उसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा लॉस हो गया। और यम स्टॉक की भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन की गलती है, इसके कारण यहाँ पे हमारा आज लॉस हो गया है। मतलब लॉस होने के रीज़न भी अगर आपको पता होंगे तो इतना बड़ा लॉस आपको मतलब
जब आप बड़ी क्वांटिटी से करने लगेंगे तो ये मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे लॉस, लेकिन आपको इस लॉस से क्या सीखने मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं आप लोगों को क्यों लॉस हुआ वो भी रीज़न आपको बता रहा हूँ। एक मंजे ओवर ट्रेडिंग, एक मतलब फर्स्ट वाला सबसे बड़ा रीज़न है ये है ये ओवर ट्रेडिंग, और सेकेंड वाला रीज़न है ये एम स्टॉक के ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ग्लिच बोल सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। यही दो सबसे मेन रीज़न है इस लॉस के, बड़े लॉस के। तो आपको भी ऐसा मतलब सिचुएशन आएगी तो आप कृपया करके कंट्रोल कर लेना, और ओवर ट्रेडिंग कुछ चाहे जो भी हो जाए ओवर ट्रेडिंग आप लोग बिल्कुल भी मत करना। एक से दो ट्रेड यहाँ पे इनफ है डेली, इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाओगे। तो अभी हम यहाँ पे बच गए क्योंकि हमारा ज़ीरो ब्रोकरेज है। अगर ये ज़ीरो ब्रोकरेज ना हो के कोई डिस्काउंट ब्रोकर होता तो यहाँ पे ये 2000 के साथ और 2000 ऐड होते हमारा ब्रोकरेज, तो ये हमारा आज बच गया। तो आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा कि एक से दो ट्रेड के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा, जो भी होगा मैं यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करूँगा। तो इस बड़े लॉस से भी मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये घर का लॉस नहीं गया, मतलब हमने घर का पैसा इसमें नहीं दिया है, जो हमने पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट कमाया था वही हमारा यहाँ पे सिर्फ चला गया है, और इस लॉस से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे करते धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, और 100 क्वांटिटी से यहाँ पे हमें थोड़ा कल देखेंगे, अगर 100 क्वांटिटी से अगर अच्छा चल रहा होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम 50 लॉट से इसे कवर करेंगे। लगेंगे 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स या फिर 1 मंथ तो ये लॉस कवर करने के लिए लगेंगे, इसकी कोई मतलब ये नहीं है, करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ये लॉस भी कवर करेंगे। अभी तक हमने किया है प्रॉफिट तो इसका कोई मतलब बड़ी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखनी होगी और साइकोलॉजी सुननी होगी तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।